नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सीरीज को, और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। रांची के रिम्स में काफी समय से भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर उनका इलाज कर रहे डॉक्टर DK झा उनके हालत के बारे में बता रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। चलिए, ऐसा कोई बहुत ऑब्वियस चीज तो अभी नहीं उभर के सामने आया। लास्ट वीक हम लोग जब बात किए थे, एक वीक में कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक चल रहा है, बीपी शुगर सब स्टेबल है, और कोई नई बात तो नहीं हुई, सब ठीक चल रहा है। अच्छा, जो पानी की समस्या वमस्या थी वो सब सॉल्व हुआ? पानी की समस्या नहीं थी, इतना मीडिया में ब्लॉक किया गया। दो दिन उनके 5 बजे शाम को पानी खत्म हो जाता था, तो 2 दिन उनका सेवादार बताया ही नहीं। तीसरे दिन हमको शाम को खबर हुआ था, हमारे मैंने फोन पे ही कहा डिपार्टमेंट को, 1 घंटे के अंदर आके मिस्त्री चालू कर दिया। ऊपर का पानी का टंकी का जो एयर पाइप होता है ना, वो गिर गया था, तो जो भरता था उसे चू जाता था, उसको मिस्त्री जाके टाइट कर दिया, पानी खत्म हो गया। समस्या फिलहाल अभी कोई तरह की समस्या नहीं, मीडिया की तो कुछ नहीं है, अभी स्वास्थ्य समान है, सर स्टेबल है, दवाई पर ठीक चल रहा है, स्टेबल चल रहा है। ठीक। तो DK झा ने कहा है कि लालू प्रसाद दवाओं पर अभी सामान्य है, दवा वो लगातार ले रहे हैं, जिससे उनकी हालत फिलहाल सामान्य है, स्थिर है। और उन्होंने इस दौरान कई समस्याओं को लेकर चर्चा की। जो कहा जाता था कि लालू प्रसाद के वार्ड में पानी की कमी होती थी, इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा किया है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।